like a Hellcat. सो वेलकम बैक गाइस, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू ब्लॉग लेके। सो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारा तीसरा मैच जो है सनराइज़र हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर। तो इससे पहले हम इसकी मैच की बात करें, हम अपने कल के मैच की बात करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली कैपिटल विन करेगी। और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरी वीडियो जाके चेक करें, जो जो मैंने टीमें बताई हैं वो हमेशा वो टीम जीती हैं। तो गाइस, मैं आपको आगे भी यही सारी बताऊंगा कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी। हम प्रेडिक्शन करते हैं और 100 में से 95% हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाती है गाइस। सो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी अपडेट भी मिलती रहेंगी। तो मैंने आपको लोगों को बताया था कि शिखर धवन चेन्नई सुपर किंग के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं। तो और जो मैंने टीम बताई थी दिल्ली कैपिटल की और चेन्नई सुपर किंग की, वो दोनों वही टीम खेली हैं। और चेन्नई सुपर किंग ने अच्छे रन बनाए पर वो दिल्ली कैपिटल की बैटिंग को नहीं रोक पाए। और पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच में जो सनराइज़र हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में है। ये चेन्नई में मैच हो रहा है और बात करते हैं कि कौन सी प्लेइंग 11 खिला सकती है दोनों टीमें। तो पहले हम ले लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर की टीम। तो शुभम गिल, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, इयान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंड्रे रसल, शाकिब उल हसन खेलेगा या सुनील नारायण खेलेगा। और दोनों ही बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक खेल सकता है। पैट कमिंग्स, हरभजन सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती। तो गाइस, ये रही इसकी टीम। अब हम बात करते हैं सनराइज़र हैदराबाद की टीम। डेविड वॉर्नर, विद्यमान साहा, मनीष पांडे, केन विलियमसन, विजय शंकर या केदार जाधव में से कोई एक खेलेगा, मोहम्मद नबी, अब्दुल समद, रशीद खान, भुवेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और टी नटराजन। सो गाइस, दोनों की टीम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और दोनों के जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में हैं, पर हैदराबाद के ज़्यादा फॉर्म में हैं क्योंकि वो अच्छे रन बना के आए हैं सारे। और देखते हैं ये मैच बहुत ज़्यादा टक्कर का होने वाला है। यहाँ इतना हाई स्कोर मैच तो रहेगा नहीं जैसे जितना कल रहा, पर दोनों की टीम देखा जाए तो यार बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब से शाकिब उल हसन KKR में आए हैं वापस तो जब से ये और भी ज़बरदस्त टीम हो गई है। तो बात करते हैं आज कि इन सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा आज और रन कौन मारेगा। तो गाइस, आज जो सबसे ज़्यादा रन मारने वाला प्लेयर है वो रहेंगे शुभम गिल शाहरुख खान की टीम से, और सनराइज़र हैदराबाद की तरफ से रहेगा डेविड वॉर्नर। तो गाइस, ये दोनों जो बंदे हैं, आप अगर ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे हैं तो आप इन दोनों को मत छोड़ना क्योंकि ये कैप्टन भी हैं और ये बहुत ज़बरदस्त खेलने वाले हैं। और वॉर्नर बहुत अच्छा खेलेगा और रसल को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि एक ऑलराउंडर भी है, अच्छी और अच्छी हिट मारते हैं। और ये और इनके मैंने प्रैक्टिस सीजन भी देखे हैं, इनकी प्रैक्टिस में भी इन्होंने अच्छे रन बनाए। तो गाइस, और हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की इस टीम की। तो यार, बॉलिंग अटैक जो है सनराइज़र हैदराबाद का वो बहुत ज़बरदस्त है, इतना KKR का नहीं है। मिडल ऑर्डर की बात करें तो मिडल ऑर्डर कलकत्ता नाइट राइडर का ज़्यादा अच्छा है। और ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग दोनों की एक जैसी ही है। तो देखा जाए तो ये दोनों टीम एक जैसी ही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इन्जॉय करेंगे इस मैच को भी आप लोग। तो और यहाँ आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आज की टीम विकेट कौन लेगा। तो आज जो विकेट लेगा वो होगा पैट कमिंग्स और भुवेश्वर कुमार कलकत्ता नाइट राइडर से, पैट कमिंग्स और सनराइज़र हैदराबाद से भुवी।
गाइस आप इन दोनों को ज़रूर लेना अपनी टीम में, और प्रेडिक्शन करते हैं आज की जो टीम जीतने वाली है बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत वैसा है, पर कलकत्ता नाइट राइडर आज का मैच जीत जाएगी और विन करेगी कलकत्ता नाइट राइडर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैच के साथ, तो मेरे से जुड़े रहें। बाय बाय गाइस।